दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड के अभिनेता विवेक ओबरॉय के कुछ ऐसे विवादों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप भी एकदम हैरान रह जाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ताजा और मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर्स गलती से विवादों में फंसते दिखाई देते हैं, लेकिन विवेक ओबरॉय एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो कि जानबूझकर विवादों में पड़ जाते हैं। आज हम यहां उन्हीं के कुछ विवादों के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें उन्होंने कहीं ना कहीं खुद अपने आप को में धकेला है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं विवेक ओबरॉय के सलमान खान के साथ हुए विवाद के बारे में, जिसकी वजह से उन्हें अपना करियर ही खराब करना पड़ा था। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में विवेक ओबरॉय ने एक सवाल के पूछे जाने पर ऐसा जवाब दे दिया कि उस पर सलमान खान को उन पर गुस्सा आ गया। करण जौहर ने उनसे पूछा था कि उन्हें ऐश्वर्या राय कहाँ अच्छी लगेंगी, बॉलीवुड में या फिर हॉलीवुड फिल्मों में। इसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि ऐश्वर्या राय उनकी बाहों में अच्छी लगेंगी। यह सुनकर करण जौहर एकदम दंग रह गए और सलमान खान उस समय ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने इसके लिए विवेक ओबरॉय को थप्पड़ तक मार दिया था। इसके बाद उनका दूसरा विवाद जुड़ा है अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में, जहां उन्हें बुरी तरह असफल होना पड़ा था। दरअसल ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म क्यों हो गया ना के दौरान ऐश्वर्या के करीब आने की विवेक काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या ने मीडिया में आकर कह दिया कि वह मात्र उनके दोस्त हैं। इसके बाद जब विवेक को बॉलीवुड में कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कर्नाटका के एक फेमस पॉलिटिशियन की बेटी से शादी कर ली थी। जी हाँ, विवेक की पत्नी प्रियंका कर्नाटका गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर जीवा राज अलवा की बेटी हैं। विवेक ने यह शादी निजी स्वार्थ के लिए की, इसके बारे में तो वह खुद ही बता सकते हैं। अब एक साल पहले दोबारा सुर्खियों में आने के चक्कर में विवेक ओबरॉय ने सलमान खान के बारे में मीडिया में इंटरव्यू दे दिया, जो कि उन्हें भारी पड़ गया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सलमान खान से उन्हें माफी मांग ली थी, लेकिन अब वह ही उन्हें माफ नहीं कर रहे, तो उन्हीं का दिल छोटा है। इस बयान के बाद उन्हें सलमान खान के फैंस की तरफ से काफी कुछ सुनना भी पड़ा था। विवेक ओबरॉय कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, खबरों का सिलसिला बनने के लिए वह कोई ना कोई तरीका ढूंढते ही रहती हैं। और ऐसे में उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी ऐश्वर्या राय और सलमान खान की एक फोटो बनाकर उन्हें ट्रॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें वह खुद ही ट्रॉल हो गई। विवेक ओबरॉय को देखकर लगता है कि वह आगे आने वाले समय में भी ऐसी हरकतें करते रहेंगे ताजो सुर्खियों और मीडियो में चर्चा का विषय बने रहें। तो दोस्तों, आपके विवेक ओबरॉय के इन विवादों के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।